हाय दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि हमने आपको लास्ट दो वीडियो में बताया था कि कैसे भारत सरकार इंडियन रेलवे में रिफॉर्म लाने जा रही है। जो रिफॉर्म है वो बेसिकली सान्यान कमेटी की रिपोर्ट पे आधारित है। इसमें यह कहा गया था कि जो भी कंपनियां सेम फील्ड में ऑपरेट कर रही हैं उनको मर्ज कर दिया जाए, और साथ ही जो इंडियन रेलवे द्वारा चलाए जा रहे स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनको भी PPP मोड पे या फिर किसी अदर संगठन को हैंडओवर कर दिया जाए, जिससे कि रेलवे एम्प्लॉयज़ के साथ साथ आम जनता भी इसका लाभ उठा सके। जो रेलवे है वो अपने कोर एक्टिविटी मतलब रेलवे ऑपरेशन पर ध्यान केंद्रित कर सके। अब हम इस तीसरी वीडियो में बताएंगे कि ब्रेथवेट जो एक कंपनी है रेलवे की, उसको रिट्स में मर्जर के लिए कहा गया है। अगर हम ब्रेथवेट के काम की बात करें तो इसका जो काम है वह रोलिंग स्टॉक के क्षेत्र में है, जैसे कि वैगन की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, उसको आउटसोर्स करना होगा किसी थर्ड पार्टी को। तो बेसिकली ब्रेथवेट मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में काम करती है। इसकी तीन यूनिट हैं और तीनों ही वेस्ट बंगाल में स्थित हैं। अगर हम रिट्स की बात करें तो रिट्स एक कंसल्टेंसी कंपनी इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर होने के साथ साथ रोलिंग स्टॉक को भी एक्सपोर्ट करती है। बाकी जो भी रेलवे द्वारा मटेरियल प्रोक्योर किए जाते हैं उनका भी इंस्पेक्शन करता है। तो इस प्रकार रिट्स और ब्रेथवेट का जो काम है एक रोलिंग स्टॉक के फील्ड में दिखता है। तो अगर हम ब्रेथवेट को रिट्स में मर्ज कर देते हैं तो इससे रिट्स की वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार रेलवे का जो तीसरा मर्जर है वह ब्रेथवेट को रिट्स में करना है। तो आने वाले वीडियो में हम आपको और बताएंगे कि और भी क्या सुझाव सान्यान कमेटी ने रेलवे में रिफॉर्म के लिए दिए हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।